आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप बिहार से हैं और आप जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उस लेडीज का जिसकी शादी हो चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिसकी शादी हो चुकी है उसका अलग प्रक्रिया होता है और बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है जाति प्रमाण पत्र पे। और कौन सी सावधानी बरतनी होगी, कैसे आप शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ से अप्लाई करेंगे, ये पूरी चीज हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जाति प्रमाण पत्र आपको हर एक चीज के लिए वैलिड होता है, ऐसा नहीं जिस चीज के लिए आप बनाए उसी चीज में काम करेगा। एक बार जाति प्रमाण पत्र बन जाने के बाद आप उस जाति प्रमाण पत्र को सभी जगह पे यूज कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र की वैधता लाइफ टाइम होती है और आवासीय की भी वैधता लाइफ टाइम होती है, सिर्फ आय प्रमाण पत्र की वैधता सिर्फ एक साल होती है। तो ये व्यक्ति के बारे में भी जान गए हैं। तो चलिए शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रक्रिया हम जानते हैं आज के इस वीडियोज में। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में जितने भी ऑनलाइन सर्विस है वो सभी ऑनलाइन सर्विस onlinebihar.gov.in की वेबसाइट से की जाती है, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद अगर आपका इस वेबसाइट पे अकाउंट बना है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं बना है तो आप लॉगिन यहाँ से आप अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप बिना अकाउंट बनाए ही लॉगिन किए ही अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे सामान प्रसारण विभाग पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करें यहाँ आपको मिलेगा जाति प्रमाण पत्र। जैसे आप जाति प्रमाण पत्र क्लिक करें यहाँ पे अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएंगे। मैं आपको सजेशन करूंगा आप अकाउंट बना के लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके अप्लाई करेंगे ताकि आपको भविष्य में डाउनलोड करने में कोई दिक्कत की सामना न करना पड़े, इसलिए लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए आगे बढ़े क्लिक करेंगे, अपनी लॉगिन डिटेल देंगे, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी ओटीपी या पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। अकाउंट लॉगिन करके अप्लाई करने से ये फायदा होता है आप किस डेट को कितना अप्लाई किए और सारे डाटा आपके पास आ जाती है और सभी का स्टेटस आप बिना कोई मतलब एप्लीकेशन नंबर नाम के भी डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी ही आसानी होती है अगर आप अकाउंट बना के अप्लाई करते हैं। चलिए हम यहाँ पे लॉगिन डिटेल एंटर करके और लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद आपका अकाउंट जो है लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सर्विस पे जितने भी ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल है वो सारी सर्विस की लिस्ट आपको दिखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सर्विस आपको शो करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 10 ही सर्विस शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 100 कर लेंगे ताकि आपको एक साथ 100 सर्विस शो करेंगे। तो उसको नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद मुझे जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना है तो यहाँ पे 26 नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट एट RO लेवल, ठीक है। सबसे पहले अंचल लेवल से अप्लाई करना है जिसके लिए RO लेवल है, तो हमको क्या करना है कास्ट सर्टिफिकेट एट RO लेवल पे क्लिक करना है। जैसे अब RO लेवल पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो अप्लाई की फॉर्म है वो फॉर्म ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कौन से जगह से कौन से एड्रेस से अप्लाई होगा। जिस भी लेडीज का बना रहे अगर वो शादीशुदा है तो उसका मायका यानी कि माँ का घर जहाँ है वो उस एड्रेस पे आपको बनाना, उस एड्रेस के लिए आवेदन करना होगा, ठीक है। किसी लेडीज का बनाना है तो उसके ससुराल के एड्रेस से आपको अप्लाई नहीं करना है बल्कि उसके मायके उसके माँ के एड्रेस जहाँ भी उनके माँ के घर थे वहाँ के एड्रेस से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे अंग्रेजी में और स्पेस डालेंगे हिंदी में, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मैं अंग्रेजी में लिखूंगा स्पेस डालूंगा तो यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये गलत आ रहा है तो आप गूगल इनपुट टूल की मदद से सही कर सकते हैं। उसी तरह उनके एप्लीकेंट के फादर का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे, यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे उनके मदर का नाम अंग्रेजी में हिंदी में, उसके बाद वो शादीशुदा तो उनके हस्बैंड का नाम अंग्रेजी में और हिंदी में यहाँ पे डालेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालना जरूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया एड्रेस, तो एड्रेस यहाँ पे आपको उनकी मदर का यानी कि जिसका आप आवेदन कर रहे हैं उनकी मायका मायका जहाँ पे है माँ का घर वहाँ के लिए उस एड्रेस को सिलेक्ट करें, यहाँ पे बिहार को सिलेक्ट करेंगे। उनकी मायका जो उनकी माँ का घर है यानी कि मायके, तो मायके किस जिला में है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे उनके पति का एड्रेस यानी कि उनका जहाँ एड्रेस वो नहीं डालना होगा बल्कि उनके मायके का एड्रेस डालना होगा। जो भी उनका जिला है उसका, जो भी उनका अनुमंडल है, जो भी उनका प्रखंड वो सिलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत सिलेक्ट करेंगे या जो भी कैटेगरी में आ रहे हैं उसको वार्ड संख्या यहाँ पे डालेंगे। पंचायत यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे विलेज आपको डालना होगा, विलेज नेम। उसके बाद यहाँ पे डाकघर, यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे एरिया का पिन कोड डालना होगा, ठीक है। ये तो हो गया, ये परमानेंट एड्रेस हो गया। अगर प्रेजेंट एड्रेस आपका सेम है तो ऊपर वाले एड्रेस को फिलअप करेंगे, यहाँ पे टिक मार्क लगाएंगे, ये सारी एड्रेस जो एक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज की फोटो एप्लीकेंट की अपलोड करेंगे, जिसकी आप जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उसकी एक फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पैसा आ जाता है, पैसा भी वो कौन से काम करते हैं, छात है जो भी है या हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो कैटेगरी वर्ग है, कैटेगरी कौन से वर्ग है, कौन सी जाति के, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भी कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है। अगर जनरल से है तो जनरल के लिए आपको गैर आरक्षित को सिलेक्ट करना है।
ताकि आरक्षण कोटि से आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जाति आ जाता है। इस वर्ग में जो भी जाति आते हैं वो सभी जाति की लिस्ट यहाँ पे आपको शो कर देंगे। जो भी आपके वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप जाति सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे उनकी सीरियल नंबर, यहाँ पे उपजाति पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी आता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, जो भी कैप्चर आपको दिखने को मिले वो कैप्चर को यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। कैप्चर फिलअप करने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं नाम की नाम को जांच ले, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को जांच कर ले। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे ही आपकी जो भी अपडेट होती है वो आपको दी जाती है, उसके लिए ओके बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तक आ जाएगा, आपकी जो डिटेल फिलअप किया वो डिटेल ऊपर में शो करेंगे। उसके लिए आप अटैच पे क्लिक करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है। अगर आपने पीछे फॉर्म फिलअप करते वक्त आधार नंबर दिया था तो आपको अटैच करने की जरूरत नहीं, आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा, यानी कि आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जगह वो ओटीपी एंटर करके वेरीफाई कर देना है। मैंने पीछे जो आधार वाले कॉलम था उसे खाली छोड़ा रहा था, इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आधार नंबर फिलअप करते तो आधार वेरिफिकेशन करने बोलता है, यानी कि आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर ओटीपी डाले ओटीपी डाल के वेरीफाई करना। आपने ओटीपी नहीं दिया, मेरे मोबाइल मतलब कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं था, इसलिए मैंने आधार नंबर वाले बॉक्स को खाली छोड़ा था, इसलिए अटैच क्लिक करने के बाद यहाँ पे दस्तावेज है, कोई भी एक दस्तावेज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड को यूज करेंगे और यहाँ पे आपको चॉइस फाइल पे क्लिक करके वो आधार कार्ड को अपलोड आधार कार्ड जो अपलोड करेंगे उस आधार कार्ड के साथ जो भी एप्लीकेंट है उनका आधार कार्ड लगाएंगे, और साथ साथ उनके माता या पिता या उनके भाई किसी एक का भी आधार कार्ड आपको लगाना होगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए साथ साथ आप जाति प्रमाण पत्र अगर आप बनाते हैं तो एप्लीकेंट के साथ साथ उनके माता या पिता या उनके भाई किसी एक का आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगा देंगे। तो हम यहाँ पे एप्लीकेंट के साथ एप्लीकेंट की मदर का आधार कार्ड की फोटो लगा चुके, पीडीएफ बनाकर यहाँ पे सेलेक्ट कर चुके। उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से सारी डिटेल आपको दिखने को मिलेंगी, यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया वो दिखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, आपका स्लिप जनरेट हो जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने फाइनल सबमिट पे क्लिक किया तो हमारा जो रसीद है वो जनरेट हो रहा है। उसके बाद रसीद यहाँ पे आपको जनरेट हो जाती है। जनरेट होने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे एक्सपर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, आपका जो ये रसीद है वो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाती है। तो ये था पूरा कंप्लीट, जिनका शादी हो चुका है शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र बनाने का ऑनलाइन पूरा प्रक्रिया। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।